एक डॉक्टर लड़कियों के सामने प्रिटेंड करता था कि वो मैरिड है और उसकी वाइफ उस पर चीट कर रही है। इस बात की वजह से सब लड़कियां उसे सिंपथी देती और उनके वो करीब जाता। प्रॉब्लम तब आती है जब उसे एक्चुअल में प्यार हो जाता है। उस लड़की को उसके फैमिली से मिलना था। अब आगे क्या होगा ये हम आज की हमारी मूवी जस्ट गो विद इट, ये 2011 की एक रोमांटिक कॉमेडी हॉलीवुड मूवी देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अभी ना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक ब्राइड को वेडिंग होने से पहले अपने फ्रेंड से बात करता देख सकते हैं। उसकी फ्रेंड कहती है कि कल तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली थी, तुम दोनों में क्या हुआ? ब्राइड ने कहा कि मैंने उसे बोल दिया कि वो अभी अगर मुझसे प्यार करता है तो मैं वेडिंग तोड़ सकती हूँ। उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी नहीं करना चाहता था और इसी वजह से किसी और से वो शादी कर रही है। फ्रेंड्स कहती है कि तुम दोनों में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। एक्चुअल में ब्राइड ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रात बिताई थी। ये सारी बातें हमारा ग्रूम जिसका नाम है डैनियल ये सुन लेता है। इस वजह से वो हार्ट ब्रोकन होकर वहां से चला गया। वो बार में आकर ड्रिंक कर रहा था और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की बार में आती है। उसे देखकर सब लोग उसके साथ फ्लर्ट करने लग गए। डैनियल देखता है कि उस लड़की का पर्स नीचे गिर गया और उसने उसे हेल्प करने की कोशिश की, पर वो लड़की उस पर भी गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो भी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। बाद में जब वो डैनियल के हाथ में वेडिंग रिंग देखती है तो उसे इसके लिए सॉरी कहती है। उसने पूछा कि तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ है। डैनियल इस बात पर उसे झूठ कह देता है। उस लड़की ने पूछा कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है। डैनियल कहता है कि वो मुझ पर चीट कर रही है। इस लड़की को उसके लिए बहुत ही बुरा लगा और उसे अपने घर लेकर गई। डैनियल को समझ में आ गया कि इस तरीके से सिंपथी की वजह से वो बहुत सारी लड़कियों को पटा सकता है। हमेशा अपनी सैड स्टोरी अलग अलग लड़कियों को सुनाया करता था। सुबह होते ही उनके घर से वो चला जाता। अब उसकी वेडिंग की बात को बहुत सारे साल हो चुके हैं। वो एक प्लास्टिक सर्जन बन गया था और अपनी खुद की नाक को भी उसने फिक्स कर दिया है। वो और एक डॉक्टर के साथ मिलकर काम करता है जिसका नाम है कैथरीन। ये हमारी और एक मेन कैरेक्टर है। डैनियल का एक वियर्ड सा फ्रेंड था जिसका नाम था एडी। आज रात डैनियल और उसका फ्रेंड अपने पेशेंट की एक पार्टी में जाते हैं। इस पेशेंट ने अपने फेस की इतनी बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी कि उसे कुछ भी फील नहीं होता। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। अचानक से एक लड़की के पैर पर चोट आ जाती है। डैनियल डॉक्टर है तो उसे बुलाया जाता है। डैनियल ने पूछा कि तुम ऐसे कैसे गिर गए, तुम कर क्या रहे थे। वो लड़का कहता है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की थी, उसे ही मैं देख रहा था और देखते देखते नीचे गिर गया। उस लड़की को हेल्प करने के बाद डैनियल बाहर आया तो वही ब्यूटीफुल सी लड़की आकर उसे बात करती है। उसका नाम था पामर। डैनियल उसे कॉम्प्लीमेंट करता है कि तुम्हें देखते देखते उस लड़की को चोट आ गई। पार्टी के सब लोगों को देख कर पामर कहती है कि प्लास्टरी सर्जरी करवाने के बाद ये सब लोग बहुत ही अजीब लग रहे हैं। डैनियल कहता है कि मेरे पेशेंट्स बहुत ही नॉर्मल लगते हैं। बातों बात तुम्हें बीच पर चले गए, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। डैनियल ने कहा कि तुम एक एक्ट्रेस की तरह लगती हो, पर पामर एक मैथ टीचर थी। इन दोनों में बहुत सारा एज डिफरेंस था। डैनियल कहता है तुम्हारे एज के किसी भी लड़की के साथ हम में जो कनेक्शन है वो कनेक्शन मुझे कभी फील नहीं हुआ। ये दोनों करीब आ गए और इसके बाद इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने के बाद पामर कहती कि शायद हम दोनों एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। वो डैनियल का नंबर लेना चाहती थी। डैनियल कहता है कि मेरे पॉकेट में मेरा कार्ड है। पामर ने पॉकेट चेक किया तो उसमें डैनियल की फेक रिंग उसे दिख जाती है। इस बात की वजह से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गए। डैनियल कहता है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पामर कहती है कि हर एक मैरिड आदमी यही कहता है और वो गुस्से में वहां से चली गई। जो भी हुआ है सब कुछ डैनियल कैथरीन को बता देता है। कैथरीन ने कहा कि तुम इतना झूठ बोलते थे, कभी ना कभी तो यह सब बातें होने ही वाली थी। कैथरीन से मिलने के लिए उसके बच्चे आ जाते हैं। डॉक्टर का नाम है मैगी और सन का नाम है माइकल। मैगी को एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता था और माइकल हमेशा चुप चुप रहता। माइकल डैनियल से कहता है क्या तुम मुझे हवाई लेकर जा सकते हो, वहां पर डॉल्फिन के साथ उसे स्विम करना था। वो कहता है कि हमारे पास जाने के लिए पैसे नहीं है और तुम बहुत रिच हो। डैनियल के पास टाइम नहीं था और इसके लिए मना कर देता है। कैथरीन वरीड थी कि मैगी ज्यादा खाना ही नहीं खाती। उसने डैनियल को सोल्यूशन बताया कि वो जाकर पामर से कहे कि उसका डिवोर्स होने वाला है। यही बात कहने के लिए पामर के स्कूल में पहुंच जाता है। डैनियल ने पामर से मिलकर कहा कि हमारा मैरिज बहुत ही घटिया था, हम एक दूसरे से अब बात भी नहीं करते। पामर कहते कि अगर ऐसा होता तो अब तक तुम डिवोर्स ले लेते। डैनियल ने कहा कि अब हम वही करने वाले, वैसे भी मुझ पर चीट कर रही थी। डैनियल ने कहा कि वो अपनी लाइफ में खुश है और मैं भी खुश रहना चाहता हूँ। जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पामर ने कहा कि यह सब बातें कंफर्म करने के लिए मैं कैथरीन से मिलना चाहती हूँ। डैनियल यह सब बात कैथरीन को बता देता है। उसे कहता है कि प्लीज मेरी वाइफ होने का प्रिटेंड करो। वो पहले तो मना कर रही थी पर डैनियल की इंसिस्ट करने के बाद वो मान जाती है। कैथरीन के पास अच्छा आउटफिट नहीं था तो शॉपिंग करने के लिए गए। जो शूज कैथरीन ने ट्राई किए वो $1700 के थे और डैनियल इसका बहुत मजाक उड़ाता है। वो सेल्समैन को बहुत ही रूड तरीके से बोल रहा था और इसी वजह से गुस्सा होकर कैथरीन ने बाय कर लेती है। ये फिर हेयर कट लेने के लिए चले गए। एक बहुत ही अमेजिंग सा मेकओवर उसे दे देते हैं। इवनिंग में होटल में आते वक्त कैथरीन डैनियल की पैसों से लिमो बुक कर कर आए। सब लोग उसे ही देख रहे थे।
कैथरीन पामर के सामने डैनियल की बहुत बेइज्जती करती है। उसने डैनियल को बहुत सारी अलग अलग बीमारियां बताए। ये दोनों पामर के सामने बहुत अच्छे से प्रिटेंड कर रहे थे कि एक दूसरे को थोड़ा सा भी लाइक नहीं करते। टेबल के नीचे से कैथरीन ने डैनियल को लात मारी पर पामर को लग जाती है। कैथरीन ने कहा कि एक्सीडेंटली मेरे पैर से ऐसा हो जाता है। जाते जाते कैथरीन ने पामर से कहा कि तुम बहुत अच्छी हो। उसे अचानक से घर से कॉल आ गया और मैगी और माइकल झगड़ रहे थे। इस कॉल से पामर सरप्राइज थी और अब उसे लगता है कि डैनियल को दो बच्चे हैं। वो डैनियल पर गुस्सा हो गई, कहती कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। डैनियल कहता है कि मुझे लगा था कि शायद बच्चों की बात सुनकर तुम डर जाओगी। पामर कहती कि बच्चे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो अब उनसे भी मिलना चाहती थी। डैनियल के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था तो कैथरीन के ही बच्चों से वो बात करता है। मैगी एक्टिंग करने के उससे बहुत सारे पैसे मांगती है। इसके साथ उसे बहुत ही एक्सपेंसिव सा क्लास ज्वाइन करना था। डैनियल नेगोशिएट करता और थोड़े से कम पैसों में वो मान गए। माइकल को तो डायरेक्टली हवाई जाकर डॉल्फिन के साथ खेलना था पर डैनियल कहता है कि मैं तुम्हें गेम्स बाय कर दूंगा। माइकल भी प्रिटेंड करने के लिए मान गया। मैगी पूरा खाना नहीं खाती थी तो डैनियल कहता है कि अगर तुम्हें डील चाहिए तुम्हें पूरा खाना खाना पड़ेगा। जब इस सब के बारे में कैथरीन को पता चला तो डैनियल पर गुस्सा हो गई थी। कहती कि मेरे बच्चों को इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। डैनियल कहता है कि उस डील से दोनों बच्चे बहुत खुश है। मैगी को भी खाना खाने के लिए मैंने मना लिया है। बच्चों की खुशी के लिए कैथरीन भी मान जाती है। आज कैथरीन के एक डॉक्टर के साथ लंच की डेट थी, उसे बात कर रही थी तो डैनियल इसका बहुत मजाक उड़ाता है। नेक्स्ट दिन में सब मिलकर पामर से मिलने के लिए जाते हैं। पामर बच्चों को देखकर बहुत खुश थी पर मैगी ज्यादा ही कैरेक्टर में चली गई। वो कहती कि तुमने मेरे फादर को मुझसे चुराया। वहां पर एक बड़ा सीन क्रिएट कर रोते रोते बाहर चली गई। कैथरीन ने पामर को समझाया कि इंग्लैंड के स्कूल में ही गई थी। डैनियल मैगी के पीछे जाता है, कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा एक्टिंग नहीं करनी थी। अब हंसो और स्माइल करो और मुझे हक कर लो। पामर देखती कि सब कुछ ठीक हो चुका है। बाद में डैनियल जब खाना खाने के लिए गया तो पामर ने माइकल से बात की, कहा कि तुम बहुत ही सैड लग रहे हो। माइकल भी मौके का फायदा उठा कर कहता है कि फादर ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे हवाई लेकर जाएंगे। तुमसे मिलने के बाद इस प्रॉमिस को उन्होंने तोड़ दिया। डैनियल इस बात को संभालने के लिए कहता है, हम लोग पहले अब हवाई जाने वाले, उसके बाद सब कुछ चीजें करने वाले। कैथरीन कहती है कि अगर तुम बच्चों पर ट्रस्ट करोगे तो ये सब चीजें होने ही वाली है। एयरपोर्ट पर डैनियल का फ्रेंड एडी पहुंच जाता है और उसने प्रिटेंड किया कि वो कैथरीन का बॉयफ्रेंड है। कैथरीन उसे कोने में ले जाकर पूछती कि तुम कर क्या रहे हो। एडी ने कहा कि मैंने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को कुछ फोटोज भेज दिए थे। उसका बॉयफ्रेंड एक फाइटर है जो मुझे मारना चाहता था। उस बॉयफ्रेंड से बचने के लिए वो भी वैकेशन पर आ रहा है। डैनियल को लास्ट मोमेंट पर होटल बुक करना पड़ा जिसके लिए उसे बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। सब लोग एंजॉय करने लग गए और पामर को बीच पर देखकर डैनियल का फ्रेंड एडी कहता है कि इसके लिए तो मैं भी एक फेक फैमिली क्रिएट कर लूंगा। शॉपिंग करते और डैनियल शादी के लिए रिंग देख रहा था। एडी कहता है कि क्या तुम सचमुच में पामर के लिए सीरियस हो। पामर ने एडी से पूछा कि तुम करते क्या हो। एडी एक अजीब सी स्टोरी बनाकर कहता है कि मैं शिप के साथ काम करता हूँ। एडी ने कैथरीन को लेकर भी एक अजीब सी स्टोरी बना दी। कैथरीन इस बात से गुस्सा हो गई। वो डैनियल से कहती है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। डैनियल उसे मनाने की कोशिश कर रहा था तभी कैथरीन की एक ओल्ड फ्रेंड जिसका नाम था डेवलिन उसे मिलने के लिए आ जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, मेरे हस्बैंड से मिलो जो एक मिलेनियर था। उसने कहा कि मेरे हस्बैंड ने आईपॉड इन्वेंट किया है। कैथरीन और डैनियल समझ गए थे कि ये सब कुछ झूठ है पर फिर भी उसे कुछ भी नहीं बोलते। डेवलिन ने कहा कि हमारी एक फ्रेंड के साथ बहुत बुरा हुआ, उसका डिवोर्स हो गया और वो बच्चों को अकेला संभालती है। कैथरीन फिर डेवलिन के सामने झूठ कह देती है कि डैनियल उसका हस्बैंड है। डेवलिन ने उसे डिनर के लिए पूछा और अब कैथरीन को यहीं पर रुकना पड़ेगा। अगले दिन सब लोग जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। पामर झरने में स्विमिंग के लिए गए तो सब लोग उसे ही देखने लग गए। डैनियल बच्चों को कहता है कि तुम भी पानी में जाकर स्विम करो। माइकल ने कहा कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, मेरे फादर ने कभी भी मुझे सिखाया नहीं। कैथरीन भी स्विमिंग करने के लिए गई और डैनियल उसे भी देखकर सरप्राइज था। वहां से वापस आने के बाद पामर कहते कि मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। आज रात बच्चे उनके साथ ही सोने वाले थे। रात में सब अलग अलग कार्ड्स को रीड करने का गेम खेलने लग गए। कार्ड्स में लिखा था कि किसी ऐसी चीज के बारे में बताइए जिसे आपको बहुत बुरा लगता है। माइकल कहता है कि मेरे फादर मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। वो यहाँ पर अपने एक्चुअल फादर के बारे में बात कर रहा था पर पामर को लगा कि डैनियल के बारे में बात कर रहा है। बाद में डैनियल ने बच्चों के साथ प्रिटेंड किया कि वो बहुत खुश है। पामर को बुरा लगा था और कैथरीन के साथ पूरा डे स्पेंड करने का वो प्लान बनाती है ताकि डैनियल बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। डैनियल बच्चों को गोल्फ के यहाँ पर लेकर आया, उन्हें हैप्पी होने का प्रिटेंड करने के लिए बोल रहा था। मैगी कहती कि आज का दिन तुम्हें हमारे साथ ही स्पेंड करना है तो माइकल को तुम स्विमिंग सिखा दो। स्लोली स्लोली सब मिलकर उसे स्विमिंग सिखाई देते हैं। जब पामर वापस आए तो माइकल को स्विमिंग करता देख उसे बहुत अच्छा लगता है। इन सबको दूर से डैवलिन ने देख लिया और कैथरीन से बात करने के लिए आ गए। पामर के सामने सबकी सच्चाई पता चल जाती है तो एडी पामर को पानी में डुबा देता है।
पामर डैनियल पर आज खुश थी और पूरी रात उसी के साथ स्पेंड करने वाली थी। कैथरीन ने डैनियल को कॉल किया और कहा कि डेवलिन के साथ आज हमें डिनर करना पड़ेगा। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए डैनियल ने पामर से कहा, तुम और एडी आज जाकर डिनर कराओ। सुबह तुम दोनों के बीच में चीजें वियर्ड हो गई थी, तो दोनों डिनर करोगे तो अच्छा हो जाएगा। रात में डैनियल और कैथरीन डेवलिन के साथ डिनर के लिए आए। डेवलिन हमेशा ऐसा दिखाती थी कि वो बहुत ही स्मार्ट है, हमेशा सबके आगे है। डैनियल और कैथरीन एक दूसरे को टेस्ट कर इन दोनों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। एडी पामर को एक बहुत ही अजीब सी जगह पर ही डिनर के लिए लेकर गया। वहां पर अचानक से एक शिप चोक करने लगती है, तो पामर ने एडी को भेज दिया। कुछ भी कर वो फाइनली शिप को बचा ही लेता है। डेवलिन और उसका बॉयफ्रेंड हमेशा एक दूसरे को कहते रहते थे कि वो दोनों कितने अमेजिंग है। डेवलिन ने कहा कि तुम दोनों को भी ये ट्राई करना चाहिए। कैथरीन डैनियल से कहती है कि तुम्हारी हर एक स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। डैनियल ने भी कैथरीन से कहा, तुम हमेशा लोगों का बहुत सोचते हो, जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे अपनी लाइफ में कभी भी तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल होता हूँ, तुम्हारी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है। अचानक से इनके रेस्टोरेंट में एक अनाउंसमेंट हुए, जहाँ पर ब्यूटी का कॉम्पिटिशन होने वाला था। डेवलिन इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी और जब कैथरीन मना करती है तो कहती है कि वैसे भी तुम उतनी ब्यूटीफुल नहीं हो, ऐसी चीजों में तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बात कैथरीन को बुरी लगी और उसने भी पार्टिसिपेट करने का डिसाइड कर लिया। इन दोनों में कड़ी टक्कर हुई और एक टाई बन गया था। दोनों में से किसी ना किसी को तो जीतना था, तो होस्ट ने इनमें और एक कंपटीशन लगा दी। कोकोनट को अपनी बॉडी से ऊपर लाकर जो कपल पहले उसे किस करता है वो जीत जाएगा। इसमें भी बहुत ट्राई करने के बाद कैथरीन और डैनियल जीत जाते हैं। उन दोनों को आज शाम बहुत मजा आया था। डैनियल कहता है कि उस डॉक्टर के साथ जब तुम डेट पर गई थी तुम्हें इतना मजा नहीं आया होगा। कैथरीन ने कहा कि वो डेट नहीं थी, उसने मुझे जॉब ऑफर की है, ये जॉब वो नहीं लेने वाली। इस बात से डैनियल को अच्छा लगता है। एक दूसरे से बात करते हुए दोनों करीब आने लग गए थे, तभी बच्चों ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। डैनियल नीचे आया तो पामर और एडी भी अपने डिनर से वापस आ गए थे। एडी ने पामर को रिंग के बारे में बता दिया था। पामर इस बात से एक्साइटेड हो गई थी और वो कहती कि कल ही हम शादी कर लेते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे जैसे आदमी से शादी करना चाहती थी जो इतना कमिटेड हो, बच्चों को इतना लाइक कर। कैथरीन डैनियल से बात करने के लिए नीचे आई, पर उसे डायरेक्टली पामर और डैनियल की शादी के बारे में पता चलता है। रात में डैनियल ने कैथरीन को कॉल किया, उसने पूछा कि क्या पामर के साथ शादी कर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। कैथरीन कहती कि तुम्हें मेरे परमिशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम कर सकते हो। डैनियल कहता है कि ऑफिस में हम दोनों के बीच में चीजें वियर्ड हो सकती है। कैथरीन कहती कि वो जॉब ऑफर मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। डैनियल कैथरीन को लेकर कमिटेड नहीं है, तो उसे कोई भी फोर्स नहीं कर सकती। अगली सुबह पामर ने आकर कैथरीन से बात की, वो पूछती है कि क्या तुम अभी डैनियल से प्यार करते हो, जिस तरीके से तुम्हारे सामने होता है तो बहुत ही खुश होता है, इतना खुश हो मेरे सामने कभी भी नहीं होता। कैथरीन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद डैनियल और पामर वेडिंग के लिए चले गए और कैथरीन बार में आके वहां पर उसे डेवलिन मिली और उसे सब कुछ वो सच सच बता देती है। उसने ये भी कहा कि वो डैनियल से बहुत प्यार करती है। ये सब सुनने के बाद डेवलिन ने भी सब कुछ सच सच बता दिया कि उसका बॉयफ्रेंड एक्चुअल में गे है। ये बात उसे अभी अभी पता चली थी। ये जो भी सब बात कर रहे थे ये सब कुछ डैनियल सुन लेता है, क्योंकि उनके पीछे भी वो बैठा हुआ था। कैथरीन पूछती कि हुआ क्या। डैनियल कहता है कि मैं वेडिंग के लिए रेडी था, पर मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी से शादी करना चाहता हूँ। वेडिंग की जगह पर उसे रियलाइज हुआ था कि वो कैथरीन से कितना प्यार करता है। कैथरीन कहती कि पामर बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो यंग भी है। डैनियल कहता है कि पर वो तुम नहीं हो, तुम और तुम्हारे बच्चे, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद कैथरीन ने उसे किस कर लिया और ये दोनों शादी कर लेते हैं। पामर को भी उसकी एज का और कोई मिल गया था। इन दोनों की शादी के डांस के एक ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।